मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आप कर रहे थे यहाँ पर चैप्टर 13 नीम। हम आपको चैप्टर 13 नीम पढ़ा रहे थे। चैप्टर 13 में क्या था? नीम। चैप्टर 13 में आपको हम पढ़ा रहे थे नीम। उसमें एक्सरसाइज आपकी हमने करा दी है। ये लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज है 3। पेज नंबर आपका है 103। तो बच्चों, आप लोग निकालिए अपनी बुक और स्टार्ट करिए लिखना। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। एक्सरसाइज 3। दूर, दूर का विलोम पास। सुख, सुख का दुख। काटना, काटना का विलोम शब्द होगा जोड़ना। काटना का विलोम होगा जोड़ना। बीमार का विलोम होगा ठीक। बीमार का विलोम होगा विराम। बीमार का विलोम होगा ठीक। आप यहाँ लिख सकते हैं स्वस्थ। बीमार का विलोम स्वस्थ लिख सकते हैं, ठीक है? स्वस्थ लिख दीजिए। एक बार और देखिए। दूर का विलोम पास, सुख का दुख, काटना का जोड़ना, बीमार का स्वस्थ। ओके, नेक्स्ट लाइन। सुखी, सूखी का गीली, सूखी का गीली। शुद्ध का विलोम अशुद्ध, जीना का मरना। जाना का विलोम आना, जाना का विलोम आना। शुद्ध का विलोम अशुद्ध, जीना का मरना, जाना का आना। नेक्स्ट एक्सरसाइज। दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। निबोरी, निबोरी का यहाँ पे आएगा निबोरियाँ। गुठली का गुठलियाँ। कपड़ा का वचन चेंज करेंगे तो हो जाएगा कपड़े। फोड़ा का विलोम फोड़े, सॉरी फोड़ा का, यहाँ फोड़ा यहाँ सिंगल सिंगुलर है और आपको करना क्या है, प्लूरल बनाना है, मतलब बहुवचन बनाना है, ठीक है? तो निबोरी का निबोरियाँ, गुठली का गुठलियाँ, कपड़ा का कपड़े और फोड़ा का फोड़े। बीमारी का बीमारियाँ, पत्ती का पत्तियाँ, मक्खी का मक्खियाँ और किरण का किरणें, किरण का किरणें। बीमारी का बीमारियाँ, पत्ती का पत्तियाँ, मक्खी का मक्खियाँ और किरण का किरणें, किरण का किरणें।
ओके स्टूडेंट, तो सभी बच्चे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 3 और 4। 3 एक्सरसाइज में आपको है विलोम शब्द, और 4 एक्सरसाइज आपकी है वचन बदलिए, मतलब यहाँ पे सिंगुलर है आपको प्लूरल बनाना है, ठीक है। एक वचन है और आपको बहुवचन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, हमने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे निबोरी को निबोरियाँ, गुठली का गुठलियाँ, कपड़ा का कपड़े और फोड़ा का फोड़े, बीमारी का बीमारियाँ, पत्ती का पत्तियाँ, मक्खी का मक्खियाँ और किरण का किरणें लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट।